नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में कहर, एक दिन में मिले 12,672 नए कोरोना मरीज। पटना में 2801 केस मिलने से हड़कंप। कोरोना की वजह से पूरे देश में हर ओर तबाही का मंजर है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 12,672 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। पूरे राज्य में सर्वाधिक राजधानी पटना में 2,801 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को सुबह में रिकॉर्ड 12,222 संक्रमित मामले सामने आए थे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 12,672 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के 6 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई नई जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में सर्वाधिक 2,801 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि गया जिले में 816, औरंगाबाद जिले में 748, सिवान जिले में 243, मुजफ्फरपुर जिले में 704, सारण जिले में 617 और बेगूसराय जिले में 607 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पंचायत चुनाव स्थगित, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस वक्त एक बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने कल से शुरू होने वाले प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया है। बिहार के सभी जिलों के DM सर निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। 15 दिन बाद समीक्षा बैठक की जाएगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने बताया है कि कल से शुरू होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। सभी निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की ट्रेनिंग स्थगित की गई है। गौरतलब हो कि राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव समेत अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बिहार में भी इसका प्रकोप जारी है। बिहार में भी पंचायत चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जून में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव कोरोना काल में मुश्किल लग रहा था, जिसे अब टाल दिया गया है। 15 दिन बाद ही इस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी ने जनता को लिखा खुला खत, नीतीश सरकार फेल है, हर बिहारी के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी। बिहार में कोरोना महामारी के बीच सियासत भी चरम पर है। एक तरफ बीजेपी सरकार के फैसले पर उंगली उठ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी राज्य सरकार पर हमलावर है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम पर एक खुला खत लिखा है। कोरोना की रोकथाम और मरीजों के इलाज को लेकर बिहार सरकार की तैयारियों को तेजस्वी यादव ने नाकामी बताया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार के लोगों को खुला खत लिखते हुए सरकार की तैयारियों की आलोचना की और उन्होंने लोगों को खुद का ख्याल रखने का संदेश दिया। तेजस्वी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को 10 टिप्स भी दिए। कहा कि इन 10 नियमों का पालन कर हम संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। हर बिहारी के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। बिहार के इस जिले में लगा लॉकडाउन, ग्रामीणों ने खुद टोटल बंद का किया ऐलान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गया जिले में लोगों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। लोगों ने खुद को 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। छोटी बड़ी सारी दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग अपने अपने घरों में बंद है। गया जिले के परैया प्रखंड के दुकानदार और ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए चेन को तोड़ने के लिए स्वेच्छा से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। प्रखंड के सभी दुकान और बाजार को बंद कर दिया गया है। 2 दिनों के बाद भी अगर कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं होगी तो ग्रामीणों ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि को वे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ताकि संक्रमण की चेन टूट सके। गया के परैया प्रखंड में लगे पूर्ण लॉकडाउन में जिला प्रशासन का कोई भी आदेश नहीं है। यह बंदी ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण को बढ़ते देखकर अपने स्वेच्छा से प्रखंड के ग्रामीण और व्यवसाय के लोगों ने किया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से परैया प्रखंड में कोरोना का 160 मामला आ चुका है और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तब हम लोग व्यवसाय लोगों ने एक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सारे व्यवसाय मिलकर 2 दिनों का स्वेच्छा से लॉकडाउन की घोषणा किया है। यही हालात बनी रही तो परैया चीन का वुहान न बन जाए, क्योंकि 6 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
सरकारी कर्मचारियों को जारी हुआ फरमान, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओ तभी मिलेगी सैलरी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर खास आपके लिए। अगर सैलरी लेनी है तो पहले वैक्सीन लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों को ऐसा ही आदेश जारी किया गया है। पहले विभाग को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे तभी सैलरी रिलीज की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गया के जिलाधिकारी का पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। गया के जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए सैलरी रोकने की चेतावनी दी गई है। गया के जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि उन्हें सैलरी चाहिए तो उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे। उन्हें अपने विभागीय प्रमुख के सामने वैक्सीनेशन करा लेने का सबूत पेश करना होगा। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की ओर से ये चिट्ठी 20 अप्रैल को जारी की गई है। बिहार में मिले 11,489 नए मरीज, 70,000 के करीब पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। पटना में 2,643 न्यू केस। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाने में बाज नहीं आ रही है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बिहार में कुल 11,489 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सारण में जबरदस्त पॉजिटिव केस मिले हैं। गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 11,489 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसी के साथ बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 70,000 के करीब पहुंच गई है। सूबे में कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 69,898 हो गया है। राजधानी में पटना में सर्वाधिक 2,643 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सारण में जबरदस्त पॉजिटिव केस मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 602, सारण में 441 और भागलपुर में 387 मरीज सामने आए हैं। औरंगाबाद में 498 और बेगूसराय में 530 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तेज आंधी और बारिश की संभावना, पटना समेत बिहार के 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी। तेज आंधी और बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व दरभंगा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के अलावा मेघ गर्जन, बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी है। मौसम विज्ञान ने वर्तमान रेडार और अन्य प्रेक्षण के अनुसार यह अलर्ट जारी किया है। कोरोना संकट को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता के आंकड़े हर दिन जारी करे सरकार। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रतिदिन राज्य में ऑक्सीजन की बेड की उपलब्धता का आंकड़ा जारी करे। इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच में हो रही है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह व जस्टिस मोहित शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गुरुवार से रोजाना राज्य के हर कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या और उपलब्धता का आंकड़ा जारी करे। हाईकोर्ट के पिछले आदेश का अनुपालन में राज्य मानवाधिकार आयोग के निरीक्षण जो रिपोर्ट पेश हुई है उसे देखकर हाईकोर्ट भी हैरान हो गया है। आयोग के सचिव राजेश कुमार व पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह की टीम ने 19 अप्रैल को एनएमसीएच का दौरा कर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके मुताबिक एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए 400 बेड हैं, जिसमें सिर्फ 175 बेड पर ही मरीजों को भर्ती पाया गया, बाकी 225 बेड खाली थे। बिहार में इलाज के लिए भटक रहे हैं संक्रमित पुलिस वाले, नीतीश सरकार से पुलिस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग। बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। राज्य में बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि इन दिनों रोज 4 दर्जन से ज्यादा लोग की मौत भी हो रही है। सूबे में नेता, अधिकारी, पुलिसकर्मी भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिहार में अब तक
200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो ठीक से हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इलाज के लिए भटक रहे हैं। अस्पतालों में उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वे इधर उधर भटक रहे हैं, इसीलिए पुलिस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग हो रही है। पिछले दिनों बिहार के DGP SK सिंघल के आदेश के बावजूद भी बिहार में कोरोना संक्रमित पुलिसों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर एक बार फिर से बिहार पुलिस एसोसिएशन ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखा है। इस पत्र में पुलिस एसोसिएशन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और राज्य सरकार से पटना स्थित पुलिस अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करने की मांग की है, ताकि संक्रमित पुलिस वाले और उनके परिवार के संक्रमित लोगों की इलाज संभव हो सके। बिहार में स्थिति नाजुक। अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है बेड की संख्या। सरकार ने कहा, आने वाले दिनों में कितने केस बढ़ेंगे इसका अनुमान नहीं। देश भर में कोरोना महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाने में बाज नहीं आ रही है। बीते दिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस पर राज्य सरकार चिंता व्यक्त कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुवार को बिहार के हेल्थ मिनिस्टर और भाजपा नेता मंगल पांडे ने कहा है कि बुधवार को बिहार में 12,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इतनी बड़ी चुनौती को डॉक्टर साहस के साथ सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कितने मामले बढ़ेंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी की स्थिति के अनुसार हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है उसके लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे नीतीश सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बेहतर किया गया है। रेमडेसिविर के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया है। आने वाले समय में उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाई गई है। हम अस्पतालों में भी बिस्तर बढ़ा रहे हैं। हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अधिक परीक्षण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा करना है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।